हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैं आ गया हूँ एक नई प्लेलिस्ट के साथ, डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डीजीएफटी है क्या? हर कोई जानता होगा डीजीएफटी क्या है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हो तो आपको डीजीएफटी के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए। तो डीजीएफटी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें मैं डीजीएफटी के रिलेटेड वन बाय वन वीडियो पोस्ट करूंगा, जिससे आपको डीजीएफटी से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। तो चलते हैं अपनी पहले स्लाइड पर। तो हम इस चार्ट के हेल्प से समझेंगे डीजीएफटी का मैकेनिज्म। देखिए, चार्ट से समझने से क्या फायदा होगा, आपको बिल्कुल दिमाग में बस जाएगा। आप एक बार भी चार्ट देखोगे, आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, एक बार भी चार्ट देखोगे आपको सारा कुछ याद आ जाएगा। सबसे पहले डीजीएफटी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब ये आता किसके अंडर में है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। ये है क्या? ये एक बॉडी है, ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है जो हैंडल करती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वर्क। अभी इसके आगे समझेंगे कि ये क्या क्या करती है, बट आप इतना समझो कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई माई बाप है इंडिया में तो डीजीएफटी है। दूसरा क्वेश्चन, इसको हेड कौन करता है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने नाम दिया है डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीएफटी, इसे कहते हैं। इसको असाइन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके लिए, इस पोस्ट के लिए, ये एक पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है, जो बंदा होगा वो आईएएस होना चाहिए। उसके साथ साथ उसने कम से कम 30 साल तक पब्लिक सर्विस में दिया हो, या उससे ज्यादा। 30 साल से कम वाले को लेते ही नहीं है, तो सोचिए आप कितनी बड़ी और कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी। उसके बाद और एक नजर इस पे भी देख लेते हैं, CCINE। ये क्या है? देखिए, जब डीजीएफटी नहीं आया था उसके पहले भी तो कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए कुछ तो था ना, कोई तो बॉडी थी ना, तो वो थी CCIA, जिसे कहते हैं चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये 1991 तक थी, उसके बाद डीजीएफटी आ गया और इसको पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया। तो अभी करेंट में डीजीएफटी वर्किंग में है। यहां तक क्लियर है? ओके, अब एक नजर देख लेते हैं डीजीएफटी के ऑफिस स्ट्रक्चर पे, ये किस तरीके से ऑफिस डिवाइड है। तो अगर देखा जाए तो ये मेनली टू टाइप के ऑफिस में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया रीजनल, दूसरा हो गया जोनल ऑफिसर्स। जोनल ऑफिसर्स हर जगह आपको मिलेंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, उसके अलावा भी बहुत से मिलेंगे, पर रीजनल ऑफिस आपको कम मिलेंगे। सबसे पहले आप देखोगे जोनल ऑफिस में को हेड कौन करता है, तो जो मैंने आपको बताया ना, जो डायरेक्टर है वो एडिशनल डायरेक्टर भी या डिप्यूटी डायरेक्टर भी इसे हैंडल कर सकता है। बट रीजनल अथॉरिटी में क्या होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर हैंडल करते हैं, यानी कि डीडीजी और एडीजी, डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल एंड असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, ये सारे मिलके इसको हैंडल करते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। और ये जनरली आपको मिलेंगे जो डायरेक्टर्स हैं वो आपको दिल्ली में जो उद्योग विहार में इनका ऑफिस है, डीजीएफटी का मेन ऑफिस है, इसको आप हेड ऑफिस भी कह सकते हो, रीजनल ऑफिस भी कह सकते हो, तो इनकी सिटिंग ज्यादातर इस हेड ऑफिस में ही है। तो यहां तक क्लियर है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं डीजीएफटी के वर्क क्या। देखिए, डीजीएफटी के वर्क बहुत सारे हैं, बट जो मेन वर्क है, जो आपको पता भी होना चाहिए, जो मैं इस प्लेलिस्ट में धीरे धीरे आपको आगे बताऊंगा, वो ये हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, हैंडबुक प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एचएस कोड क्लासिफिकेशन, आईईसी सर्टिफिकेट प्रोवाइडिंग, मॉनिटर ईबीआरसी, ये सारे हैं, आप पॉज करके देख सकते हो। इनको वन बाय वन मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, जिसे एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कहते हैं, इसको ड्राफ्ट कौन करता है? देखिए, ये एक पॉलिसी है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इसको ड्राफ्ट कौन करता है, यानी इसको बनाता कौन है? एक्चुअल में इसे बनाते यही डीजीएफटी के डायरेक्टर्स हैं, जो ज्वाइंट डायरेक्टर्स हैं, इसे बना के गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस करती है। सबसे मेन काम इसका पॉलिसी का क्या है? इनका मेन काम ये है कि किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट परफॉर्म करेगा, किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा इजी बना दें, जिससे कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ सके। जितना टफ होगा उतना कम लोग उसे करेंगे, जितना ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा कंट्री को फायदा होता है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस पॉलिसी की हेल्प से एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्राफ्ट तो ये करते हैं, पर इसे इंट्रोड्यूस करती है इंडियन गवर्नमेंट, और ये जो वैलिड होता है ये 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। उसके बाद फिर एक नई पॉलिसी आती है, उसके बीच बीच में अमेंडमेंट होती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट जो इंट्रोड्यूस किया 5 साल तक वो वैलिड है।
अब ये पॉलिसी किसके अंडर में आती है, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेन ट्रेड 1992 एक्ट सेक्शन 5, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जो करंट में चल रही है 2015 से 20 तक, यानी ये मार्च 2020 में एक्सपायर हो गई, बट अभी भी ये वर्किंग में है। ड्राफ्ट हो चुका है, नया अभी आया नहीं है, अभी भी इसी पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट है। बहुत जल्द 2021 से 2026 के लिए एक नई पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, हैंड बुक प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब ये क्या है, देखिए, जैसे कि पॉलिसी क्या है, पॉलिसी में बता है क्या चीज कैसे करना है, लेकिन टाइम टाइम पे उसमें अमेंडमेंट होता है ना, तो उस अमेंडमेंट को आप कह सकते हो मैनुअल बुक, या आप ये कह सकते हो ये एक तरीके का प्रोसीजर है, एक मैनुअल है कि किस तरीके से ये काम करेगा। ये जैसे कि ये पॉलिसी है, पॉलिसी इंट्रोड्यूस किसने की थी, इंडियन गवर्नमेंट ने, मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इंट्रोड्यूस कर दी। उसके बाद अब टाइम टाइम पर उस पर अमेंड तो होगा ना, अमेंड क्यों होगा, देखिए अब लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इससे लोगों को दिक्कत हो रही है एक्सपोर्ट करने में, तो जो डीजीएफटी के डायरेक्टर हैं वो खुद इसमें अमेंडमेंट कर देंगे, और डीजीएफटी की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो वो अमेंडमेंट उस डेट के अकॉर्डिंग वहां पर आ जाएगा। मतलब पब्लिक के नोटिस करने के लिए कि पब्लिक जान सके जो एक्सपोर्ट कर रही है, इसको अमेंडमेंट करती रहती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हैंडबुक प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब ये सारे अमेंडमेंट, जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, ये डायरेक्टली डीजीएफटी के लेवल पर ही हो जाते हैं। उसमें क्या था, इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जा रही थी, इसमें ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर पब्लिक के लिए अमेंड कर दे रहे थे और डिटेल पब्लिश कर दे रहे थे। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरीके से मैं धीरे धीरे इससे रिलेटेड वीडियो आगे पोस्ट करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।